कहा कि सर आपकी तो 100 करोड़ रुपए तो सोशल मीडिया से इनकम। मेरे साथ दो तीन लोग थे, मैंने कहा इसको उठा गाड़ी में बैठाओ, इससे पूछो कहाँ से आ रहा है 100 करोड़ रुपया। कहा नहीं, इतने आपके फेसबुक पेज चल रहे, 7-7, 10-10 लाख फॉलोवर है, मुझे पता ही नहीं है ही नहीं। हाँ हाँ, कोई चैनल होगा तब तो पता चलेगा, जब है ही नहीं। आप इतना फोटो ले रहे हो इंस्टाग्राम, क्यों ये सब काम कर रहे हो, क्यों सेल्फी ले रहे हो? आदर्श हैं आप हमारे। नहीं, आदर्श हैं तो अच्छी बात है। जब हम किसी की फोटो नहीं ले रहे हैं, हमको किसी के साथ देखे, इतने लोगों से हिंदुस्तान में मिले, इस देश के बाहर मिले, किसी सोशल मीडिया पे मेरी फोटो देखे, अड़गड़ानंद भगवान है, महाराज स्वामी जी भगवान है, तो भगवान के साथ तो हर आदमी चाहेगा कि फोटो खिंचा ले। तर्क ढूंढ लिए तुरंत तुम घटा, तुम इलाहाबादी काम है तर्क में फंसा देना। लेकिन अब सबके अलग, जैसे बुद्ध के अलग सिद्धांत है, महावीर के अलग सिद्धांत है, बुद्ध मध्यम मार्ग कहते हैं, महावीर कहते हैं कोई मध्यम मार्ग नहीं, अति मार्ग ही। तो मैं कह रहा हूँ कोई सेल्फी नहीं, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। इस इलाहाबाद को ऑक्सफोर्ड कहा जाता था पूरब का, 7-7 प्रधानमंत्री, न जाने कितने आईएएस आईपीएस अभी सर आए हुए थे, हमारे सीनियर है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है ये, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है राकेश सर। और सोचिए, उन्होंने अभी वही कह रहे थे कि हम लोग के समय में कोई लड़का एसआई देता था हॉस्टल का तो छुप के देता था, चोरी से, लोग बुरा मानते थे, कोई किसी को बताता नहीं था कि फलाने एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, कोई बताता ही नहीं था। ये गरिमा थी इलाहाबाद की, प्रयागराज की, उसको जीवित करना।